इफ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट, सबसे इजीएस्ट एंड सबसे सिंपलेस्ट वे बताऊंगा, सो सबसे फास्टेस्ट वे बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और बहुत ही चीपेस्ट कह सकते हैं, मैं जो रूटीन बताऊंगा, जो डाइट बताऊंगा वो बहुत ही चीप होने वाली है, साथ ही साथ बहुत ही इजी टू फॉलो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए पूरा एंड तक, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और एक हफ्ते में ये मेरी गारंटी है कि 2 से 3-4 किलो तक अगर आप प्रॉपरली मेरी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो तो आराम से आप गेन कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई एम नावेद के एनवीडी एंड यू आर वॉचिंग एनवीडी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट गेन करते टाइम सबसे पहली बात आती है वो है कैलोरीज की। कैलोरीज जितना आप इंटेक कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करते हो तो उससे आपका वेट गेन नहीं हो पाता। जितना आप अपने कैलोरीज को स्पेंड कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप अपनी कैलोरीज को इंटेक कर रहे हो तो वो आपके जो है वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में 70% होती है आपकी डाइट और 30% होता है आपका वर्कआउट, उसी तरह वेट गेनिंग के टाइम भी अगर आप विदाउट जिम भी करते हो तो भी आपकी 70% मतलब ज़्यादातर आपकी डाइट ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, डाइट को रखता हूँ लास्ट में, और ऐसी डाइट बताने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल बहुत ही चीप होने वाली है, और मैं सुबह से लेकर रात तक क्या खाता हूँ वो बताने वाला हूँ, और उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वेट गेन करने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो वो दो तरीके से होता है। पहला होता है अनहेल्दी वेट गेन और दूसरा होता है हेल्दी वेट गेन। अनहेल्दी आप कोई भी जंक फूड खा लो, बाहर की कोई भी चीज़ें खा लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, शुगर रिच कोई भी चीज़ें खा लो, बेकरी प्रोडक्ट्स खा लो, वो सारी चीज़ें अनहेल्दी वेट गेन के तरफ आपको ले जाता है। लेकिन अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है तो उस आपको करना होगा एक हेल्दी डाइट फॉलो। एक हेल्दी डाइट फॉलो में आता है बहुत ही फ्रूट्स आ जाते हैं, बनानास आ जाते हैं, और पीनट बटर्स आ जाते हैं, और एग्स, प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें, रोटी आपको खानी होगी, आपको चावल खाना होगा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको आती है। डाइट के बारे में बाद में बताता हूँ। तो आपको पहले वो आपका एम डिसाइड करना है कि आपको अनहेल्दी वेट गेन करना है या हेल्दी। जाहिर सी बात है आपको हेल्दी वेट गेन करना होगा तो जो बाहर की सारी चीज़ें जंक फूड्स हो गई, सारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वो सारी चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। और बात करते हैं हेल्दी वेट गेन की, तो उसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है वर्कआउट। वर्कआउट क्या करना है, आपको हैवी इंटेंसिव वर्कआउट की तरफ नहीं जाना है। आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ वेट गेन करना आपका मकसद है तो आप नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हो जिम में जाके, या घर पे भी आप अपना पुशअप्स हो गया, या फिर और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस है वर्कआउट एट होम, वो आप देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जिम जाते हो तो आप जिम जाकर वर्कआउट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपके मसल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, आपके जो मसल्स ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो तो वो मसल उतने के उतने ही होते, जो ब्रेक डाउन हुए जो गैप्स बनते हैं मसल्स में उसमें आपका नया प्रोटीन बनता है और आपके मसल जो है वो ग्रो होते हैं। और मसल ग्रो मतलब वेट ज़्यादा और आपका वेट बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वर्कआउट करना है। बिना वर्कआउट करे आप हेल्दी वेट गेन नहीं कर सकते हो। तो वर्कआउट करना है आपको, चाहे वो आप घर में कर रहे हो, बाहर पार्क में कर रहे हो, या फिर आप जिम में कर रहे हो, तो वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड चीज़ आ जाती है कि सिर्फ एक ऐसा रूल बताता हूँ जो आप सिर्फ फॉलो करेंगे तो आराम से आपका जो वेट गेन हो जाएगा वो है, लेकिन हेल्दी वे में, आपको जंक फूड नहीं खाना है, बस आपको हेल्दी चीज़ें घर का खाना। आप अगर इतना खा रहे हो तो आपको इतना करना होगा, आप अगर एक प्लेट खा रहे हो तो आपको डेढ़ प्लेट खाने होंगे, और जितना हो सके आपको खाना होगा। जितना आप खाओगे उतनी ही आपके बॉडी में कैलोरीज बनेंगी, उतनी ही आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, और उतना आप ज़्यादा खाओगे आपका वेट, कुछ लोग खाते हैं फिर भी वेट गेन नहीं होता है बिकॉज वो जितना खा रहे, जितना इनटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको जितना आप स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो कैलोरीज हो, कैलोरीज में स्पेंड होता है, तो उससे ज़्यादा आपको इनटेक करना होगा, उससे ज़्यादा आपको खाना होगा। खाना क्या है वो आपको सुबह से लेकर रात तक का मैं आपको बताता हूँ। सुबह जब आप उठोगे सबसे पहले एक गिलास पानी, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ के आपको पी लेना है, उसके बाद थोड़ा पानी पीना है, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होना है, उसके बाद आपको
बनाना शेक आपको बनाना है, उसमें आपको डालना होगा एक ग्लास दूध, गर्म दूध नहीं डालना है, ठंडा दूध डालना है। उसके बाद आपको दो बनाना आपको मैश करके डालना होगा। उसके बाद आपको, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हो आप। अच्छे से मिक्स करना है। क्या होता है, प्रोटीन जो है दूध में पहले से मौजूद होता है, और जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें भी प्रोटीन होता है। बनाना तो जाहिर सी बात है जाना जाता है वेट गेन करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद मिल्क शेक बनाकर आपको बनाना शेक पी लेना है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अगर हैवी लग रहा है आपको कि पेट भर गया तो आप वही स्टॉप कर सकते हो। अगर नहीं लग रहा है तो आप और भी कुछ खा सकते हो, हेल्दी खाना है। और उस शेक में आपको अगर चाहे तो आप पीनट बटर भी इंक्लूड कर सकते हो। मेरे पास ये दो पीनट बटर के बॉक्सेस है, जो एक माई फिटनेस, दोनों ही मैं पिंटोला भी यूज़ करता हूँ और ये माई फिटनेस के हैं। एंड माई फिटनेस जो है इसमें चॉकलेट फ्लेवर का है ये, और ये वाला इसमें जो है हिमालयन सॉल्ट मिक्स है, और ब्राउन शुगर मिक्स है, और इसमें बेल्जियम चॉकलेट मिक्स है, बेल्जियम डार्क चॉकलेट। तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और स्मूथ है। एंड इसका जो 8 ग्राम प्रोटीन्स आपको वन स्कूप मतलब वन सर्विंग में मिल जाता है। और ये वाला जो है वो ऑल नेचुरल है, सिर्फ पीनट बटर है इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें आपको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 2 ग्राम 10 ग्राम एक सर्विंग में आपको इसमें प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। दोनों ही मैंने टेस्ट किया है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। आपको बाय करना है आप कर सकते हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मसल ग्रोथ में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन रिच है। और एडिड शुगर इसमें जीरो है, एंड आप देख सकते हो ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल इसमें जीरो है। तो काफी अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट, और आप बाय कर सकते हो। और दिन भर में आप जो भी खाते हो वही खाना है। अगर आप 3 बार खा रहे हो तो 4 बार कर दो, और 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। एंड खाना खा रहे हो अगर आप 1 प्लेट खाते हो तो आपको 1.5 प्लेट खाना है। आपको अपना इनटेक बढ़ाना है, बस इनटेक जो है आप ले रहे हो जो भी चीज खा रहे हो वो बढ़ाना है, लेकिन हेल्दी चीजें खाना है। उसके बाद जब आप रात में सोते हो तो सोने से पहले 1 ग्लास दूध जरूर पी लेना, क्योंकि दूध में जो है जो दूध के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, वो बहुत ही लेट एब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी में, बहुत ही देर से आपके बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है, डाइजेशन बहुत लेट होता है। तो रात भर अगर आप दूध पी के सो जाते हो तो आपको रात भर भूख नहीं लगेगी और नींद भी जो है अच्छी आएगी। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में वो आप फॉलो कीजिए, गारंटी है 1 वीक में आपको जो है पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे 2-3 किलो आप आराम से वेट गेन कर पाओगे। और ये जो माई फिटनेस का जो पीनट बटर है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं, तो आप ले सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके। और देखते रहिए एनवीडी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। वी विल मीट सून।